तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम यूज करेंगे डिफ्यूज फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर को अपनी एप्लीकेशन के लिए। मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा कि किस वर्किंग प्रिंसिपल पे हमारा डिफ्यूज फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर वर्क करता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे सेंसर की सेंसिंग रेंज वेरी करती है हमारे अलग अलग कलर ऑफ टारगेट के ऊपर। आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और साथ में मैं आपको वायरिंग भी दिखाऊंगा जिसे आप लोग बहुत आसानी से डिफ्यूज टाइप फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर को यूज कर सको अपनी एप्लीकेशन के लिए। जब भी कभी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में डिफ्यूज टाइप फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में सुनोगे तो हमेशा याद रखना कि हमारे सेंसर में ही ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है एक ही साइड में। होता क्या है, ये हमारा यहाँ पे जब ट्रांसमीटर लाइट फेंकता है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर या जो हमारा टारगेट है, तो टारगेट के ऊपर से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के पास आती है। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ जब लाइट हमारे रिसीवर पे पड़ती है, हमारा रिसीवर उसको रीड करता है और आउटपुट में सिग्नल देता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, जो हमारा एक पीएनपी टाइप आउटपुट हो सकता है या फिर एनपीएन टाइप आउटपुट हो सकता है। पीएनपी और एनपीएन की आप डेफिनेशन एक वीडियो में देख सकते हो, उसको मैंने पहले से बनाया। डिफ्यूज टाइप फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर में हमारा ट्रांसमीटर इंफ्रारेड टाइप का भी हो सकता है या फिर हमारा एक रेड लाइट टाइप का भी हो सकता है। बस ऑपरेशन हमारा सेम रहता है और वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम रहता है कि लाइट ट्रांसमीटर फेंकता है, यहाँ पे मेरा कोई टारगेट लगा हुआ है, उस पे से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे रिसीवर के पास पड़ती है, रिसीवर उसको रीड करके हमें आउटपुट दे देता है। अब सेंसर का नाम डिफ्यूज फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर है तो डिफ्यूज का मतलब समझ लेते हैं। डिफ्यूज का मतलब ये होता है जब टारगेट के ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट हमारी अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होती है, जिसको बोलते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो होता क्या है, जब ये हमारे जो अलग अलग लाइट जो स्कैटर हुई है, जब इसमें से कुछ परसेंट ऑफ लाइट हमारे रिसीवर में पड़ती है, जो सेंसर का रिसीवर होता है इसमें हमारा फोटो डायोड लगा होता है जो ये लाइट को रिसीव करेगा, और जब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो आगे सर्किटरी उसको रीड कर रही होगी, जब वो डिटेक्ट कर लेगी तो सेंसर हमें आउटपुट दे देता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। डिफ्यूज टाइप फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर बहुत यूज होते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में और जितने भी कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेशन होते हैं, जहां पे हम ऑटोमेशन करना चाहते हैं जिसमें हम कोई कॉन्टैक्ट नहीं चाहते टारगेट के बीच में और सेंसर के बीच में, तो हम वहां पे डिफ्यूज टाइप फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर यूज करते हैं। तो डिफ्यूज टाइप फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर को एक ब्रीफ में ये समझ लो कि हमारा बस एक ही हाउसिंग में ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। अगर हम पोजिशन चेंज करेंगे कि एक साइड पे हम ट्रांसमीटर लगाए और एक साइड पे हम रिसीवर लगाया, तो वो थ्रू बीम टाइप बन जाता है, उसको आगे की वीडियो में कवर करेंगे। पर अभी के लिए आप डिफ्यूज टाइप फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर का वर्किंग अच्छे समझ लो। अब ये समझ लेते हैं कि कैसे वेरी करेगी सेंसर की सेंसिंग रेंज अलग अलग कलर ऑफ टारगेट के ऊपर। तो मैं यहां पे दो टारगेट यूज करूंगा, एक है व्हाइट टारगेट और एक है ब्लैक टारगेट। मैं दोनों को यूज करके आपको ये बताऊंगा कि कितना डिफरेंस आता है सेंसिंग रेंज में जब हम अलग अलग कलर का टारगेट यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर कनेक्टेड है और यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है अपना लोड और मैंने यहाँ पे एक पावर सप्लाई कनेक्ट की हुई है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। तो जैसे कोई भी टारगेट सेंसर की सेंसिंग रेंज में आता है, सेंसर उसको डिटेक्ट करता है और सेंसर फिर लोड को ऑपरेट कर देता है। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे अलग अलग कलर के ऊपर हमारी सेंसर की सेंसिंग रेंज वेरी करती है। तो सबसे पहले मैं एक व्हाइट कलर का टारगेट लेता हूँ और जब मैं व्हाइट कलर के टारगेट को सेंसर की सेंसिंग रेंज में लेकर आता हूं तो देखते हैं कि क्या ऑपरेशन हो रहा है अभी। तो जैसे ही व्हाइट टारगेट सेंसर की सेंसिंग रेंज में आता है, अब ध्यान से देखना, हमारा लोड ऑपरेट होता है इस डिस्टेंस के ऊपर। देख सकते हैं कि कैसे ऑपरेट हो रहा है हमारा लोड, और मैं भी सेंसर को फिक्स कर दे रहा हूं। मैं सेंसर की मैंने एक रेंज भी फिक्स कर दी थी कि किस रेंज पे मेरे को व्हाइट टारगेट को ऑन करना है। तो अब ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा व्हाइट टारगेट के ऊपर डिस्टेंस। और अब मैं क्या करता हूं, मैं एक ब्लैक कलर का टारगेट लेता हूं और इस टारगेट को मैं सेंसर की सेंसिंग रेंज में लाता हूं और फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारा डिस्टेंस वेरी करता है। तो जैसे ही ब्लैक कलर का टारगेट सेंसर की सेंसिंग रेंज में आने लगता है, अब ध्यान से देखना, मेरा जो टारगेट है सेंसर की सेंसिंग रेंज में, सेंसर के पास बहुत पास आने के बाद ही हमारा लोड ऑन होता है। हमारा व्हाइट टारगेट काफी दूर ऑन हो गया था, बट जो ब्लैक कलर का टारगेट है वो काफी पास जाके सेंसर के सामने ऑन होता है। आप देख सकते हैं, इससे हमें पता लगता है कि हमारी सेंसिंग रेंज वेरी करती है अलग अलग कलर ऑफ टारगेट के ऊपर। मैंने आपको दो एक्सट्रीम कलर्स दिखाए थे,
ब्लैक और व्हाइट। और आपको एक और चीज बताता हूँ, जितने भी डेटा शीट्स होती है सेंसर की या सेंसर के ऊपर जो डिस्टेंस लिखा होता है सेंसिंग रेंज, वो हमेशा वाइट टारगेट के लिए लिखा होता है। तो जो वाइट टारगेट पे जो सेंसर सेंसिंग रेंज देगा वो मैक्सिमम सेंसिंग रेंज देता है, और अलग अलग कलर ऑफ टारगेट के ऊपर हमें कुछ ना कुछ रेंज की वेरिएशन मिलेगी जो मैक्सिमम से थोड़ी कम होगी। और हमें मिनिमम सेंसिंग रेंज मिलती है जब हम ब्लैक कलर का टारगेट यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। अब आपको ये बता देता हूँ कि हमें वाइट टारगेट पे ज्यादा सेंसिंग रेंज क्यों मिली। अब ध्यान से समझो, वाइट सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो होता क्या है, जब सेंसर के सामने हम वाइट टारगेट को लेकर आते हैं तो कुछ दूर से भी आप ध्यान से देखो, जब लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी तो जो उसमें रिसीवर लगा हुआ है, जो हमारा फोटो डायोड है, वो इनफ अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव कर लेता है जिसकी वजह से वो सिग्नल दे देता है। पर जब क्या होगा, जब हम ब्लैक कलर का टारगेट लेंगे, ब्लैक सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाती जो ट्रांसमीटर से होकर आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सेंसर इतनी दूर से ब्लैक टारगेट को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। इसलिए ब्लैक टारगेट को काफी पास जाना पड़ता है डिटेक्ट करने के लिए सेंसर को, जिससे वो आगे आउटपुट दे इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अलग अलग कलर के टारगेट होते हैं और अलग अलग कलर ऑफ टारगेट के ऊपर हमारी सेंसर की सेंसिंग रेंज वेरी करती है। तो अगर हमें इस चीज की नॉलेज होगी तो हम सेंसर को उसी के हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्योंकि सेंसर के पीछे हमें सेंसिंग पोर्ट मिलता है और हमें समझना पड़ेगा कि हमारा क्या कलर है। और उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम डील करेंगे ब्लैक कलर ऑफ टारगेट के ऊपर तो हमें बहुत कम सेंसिंग रेंज मिलती है, तो उसका भी जरूर ध्यान रखना। और आगे वाली वीडियो में मैं आपको इसका भी सोल्यूशन दूंगा कि सभी कलर पे हमें सेम सेंसिंग रेंज कैसे मिलती है, उसका भी सोल्यूशन दूंगा। आप बस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वो भी बहुत आसानी से आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और वायरिंग भी दिखाऊंगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली वायरिंग दिखा देता हूं कि कैसे हम डिफ्यूज टाइप फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर को यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए। एक और चीज बता देना चाहता हूँ, डिफ्यूज टाइप फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर हमें अलग अलग हाउसिंग में मिलता है। स्क्वायर टाइप में भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल टाइप में भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, वैसे ये डिफ्यूज टाइप फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर स्क्वायर टाइप में भी होते हैं, स्क्वायर बॉडी में। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर सही नॉलेज होगी तो आपके लिए एप्लीकेशन सॉल्व करना बहुत आसान आएगा। तो कनेक्शन देख लेते हैं पीएनपी टाइप सेंसर के। तो मेरे पास ये SMPS है, या जिसको मैं पावर सप्लाई भी बोल सकता हूँ। ये 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करती है। मेरे पास दोनों पॉइंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव के, हम देख सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हम सेंसर और रिले और मोटर को कनेक्ट करेंगे। तो एक सेंसर में तीन वायर्स होती है, एक ब्राउन जो पॉजिटिव सप्लाई में कनेक्ट होएगा और एक ब्लू जो नेगेटिव सप्लाई में कनेक्ट होएगा। आप देख सकते हैं नेगेटिव पॉइंट पे कनेक्ट होएगा ब्राउन और ब्लू। ये सेंसर के हो गए हमारे सप्लाई पॉइंट्स, देख सकते हैं। तो मैं अभी कनेक्शन कर रहा हूँ अपने सेंसर की, मैं सिर्फ अभी सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ 24 वोल्ट DC, देख सकते हैं। मैं ब्लू वायर को नेगेटिव वाले पॉइंट पे कनेक्ट करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सेंसर मेरा एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है, जो मेरा PNP टाइप सेंसर है। तो जैसे ही मेरे सामने टारगेट लाता हूँ, मेरे को सेंसर की बैकलाइट इंडिकेशन में भी दिखता है कि मेरा सेंसर वर्क बिल्कुल सही कर रहा है। अब मैं रिले के कनेक्शन करूंगा। तो ये जो रिले है मेरे पास, ये ओमरॉन की रिले है, मॉडल नंबर MY2NGS, जो 24 वोल्ट DC पे ऑपरेट करती है रिले। जैसे कि हम रिले में देख सकते हैं, रिले पे नंबरिंग होती है 13 और 14। जो 13 है पॉइंट, वो रिले की नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करना है, और जो 14 है वो रिले का पॉजिटिव है। तो PNP टाइप में हम इसको सेंसर से कनेक्ट करेंगे। हमें पता है PNP टाइप सेंसर पॉजिटिव वोल्टेज देगा, तो जो सेंसर की जो आउटपुट वायर ब्लैक वायर होती है उसको कनेक्ट करेंगे हम 14 वायर से। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमने कनेक्शन करने स्टार्ट कर दिए, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमें जो कनेक्शन करने हैं, 13 नंबर पिन है, 13 नंबर पिन रिले की नेगेटिव है, और इसको मैं सप्लाई के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करूँगा। मैंने एक सिंपल एक वायर ली और तो थोड़ा सा फोल्ड किया, कनेक्शन ईजी हो जाए थोड़ी आसानी से, और 13 नंबर पिन पे एक एंड को लगाया। फिर दूसरे एंड को सप्लाई के मैंने नेगेटिव एंड पे लगा दिया। बहुत आसान कनेक्शन है, बारी बारी से कनेक्शन करने हैं। तो जैसे ही मैं सेंसर के सामने टारगेट लाता हूँ, रिले की मैं ऑफ वर्किंग देख सकता हूँ, आप देख पा रहे हैं।
इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे मैं मूव करता हूँ, रिले के कॉन्टैक्ट के मूवमेंट देख सकते हो और सेंसर की बैकलाइट इंडिकेशन में भी चेक कर सकते हो कि सेंसर वर्किंग है और मेरी रिले भी वर्किंग है। अब कनेक्शन करने के लिए लोड में दो वायर होती है, एक वायर जो लोड की होती है मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ 9 नंबर के साथ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 9 नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया है। और जो क्या करता हूँ, जो दूसरी वायर होती है लोड की, उसको डायरेक्टली न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और 5 नंबर पे मैं लाइव वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कनेक्शन आपके सामने पूरी तरह से क्लियर है। आप देख सकते हैं लोड के कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए और रिले के भी। तो जैसे कोई टारगेट आता है तो मेरा लोड तब ऑपरेट होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको कंसेप्ट भी बताऊं और वायरिंग भी दिखाऊं कि कैसे हम यूज करेंगे डिफ्यूज टाइप फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर को। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, जिससे मैं आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और मेरे आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट एक यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है जिसमें मैं सेंसर सॉल्यूशन और जो भी ऑटोमेशन प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते हैं उनको मैं बहुत आसानी से आपको प्रैक्टिकली दिखा पाऊं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।